अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रीड्स एक्सक्लूसिव में खुश आमदी। आज मैं आपको एक खूबसूरत सोसाइटी में रूम हाउस और ब्यूटीफुल मनाजर दिखाने लगा हूँ, जहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइक डक्की भाई और रजब भाई रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लाइन कितना डेंजरस है, और इसको मेरे ख्याल से भूख लगी हुई है और ये थका भी हुआ है और बड़े ख़तरनाक से अंदाज में बैठा हुआ है। ये जो बच्चे मेरे पास खड़े हैं, ये इसके करीब आने से भी डर रहे हैं। ये देखिए इसकी, ये कैसे मुंह खोल के बैठा हुआ है, जैसे अभी इसको बहुत भूख लगी है और कोई ना कोई चीज़ ये फौरी तौर पर खाने वाला है। यहाँ पे तीन चार और लाइन भी हैं, वो आप देखेंगे, वो सामने उनका घर है, वहाँ पर वो मेरे ख्याल से अंदर घुसे हुए होंगे, लेकिन इस वक्त हम यही एक लाइन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक एलिफेंट का स्टैचू लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है। ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ये मैं बिल्कुल क्लोजर लुक इसका ले रहा हूँ, ये अब मैं बैक जा रहा हूँ। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत ये स्टैचू है और ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है इस छोटे से सोसाइटी के, जू हाउस के अंदर। और यहाँ पर खूबसूरत ट्री भी हैं, ये मैं पूरा घूम के आपको दिखाता हूँ। ये एलिफेंट का स्टैचू बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है, और ये इसके साथ ही वो वहाँ पर पीकॉक है। मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से जूम करके तो ये हो सकता है आपको पीकॉक ना नज़र आए, थोड़ा सा मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, और ये देखिए ये व्यू, बाकी भी देखिएगा ये ज़रा सोसाइटी का, ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। ये मैंने जूम करके आपको दिखाया है, अभी मैं आपको पीकॉक दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा ये मुर्गाबी सी टाइप है, और ये देखिए, ये मैंने आपको बोर्ड भी दिखाया था, ये पीकॉक लिखा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं अंदर कितनी खूबसूरत हैं, और ये अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और ये दाना दुमका खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पीकॉक हैं यहाँ पे। अभी बड़े आपको मोर भी दिखाएंगे हम, बल्कि आपको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ, आगे बहुत ज़्यादा पीकॉक आपको बड़े वाले दिखाएंगे, ये तो बिल्कुल छोटे से हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से पिजन भी मौजूद हैं, यहाँ पर कबूतर हैं और साथ मोर भी मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये कितने ज़्यादा हैं पिजन और साथ प्लस मोर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं ये। जो लोग कबूतर पसंद करते हैं, कबूतरबाजी करते हैं, कबूतरबाज हैं, उड़ाते हैं कबूतर, ये देखिए ये बड़ा मोर है, और ये इन्होंने बिल्कुल इस मोर को रखा हुआ है साथ दूसरे कबूतरों के ही, बहुत ही खूबसूरत। ये आप कितने ही खूबसूरत अफ्रीकन ऑस्ट्रिच हैं, ये लिखा भी हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे एग भी आपको दिखाता हूँ, ये ऑस्ट्रिच का बच्चा भी है छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल जैसे कोई मुर्गा सा लग रहा है इस तरह का है। और इन्होंने जो अंडे दिए हुए हैं वो मैं आपको जूम करके दिखाने लगा हूँ। ये देखिए जी, ये बिल्कुल सामने शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, ये आपको अब क्लियर नज़र आ रहे हैं। अभी मैं इसको जूमिंग ख़त्म कर देता हूँ, और ये तीन शुतुरमुर्ग हैं, बड़े अच्छे खुशगवार मूड में हैं, और देखिए बच्चे इनको घास खिला रहे हैं और ये घास खा रहे और इंजॉय कर रहे हैं। ये इनके करीब जाकर मैं आपको क्लोज़र इनका लुक देता हूँ, ये देखिएगा ज़रा, ये शुतुरमुर्ग का क्लोज़र लुक आप देखें, ये किस तरह से खा रहा है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है कि देखिए इसकी गर्दन कितनी लंबी है और किस तरह से ये चीज़ें खाते हैं और हजम कर। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आगे आप आएंगे तो पीकॉक है यहाँ पे, ये भी एक खूबसूरत परिंदा है, जानवर है, आपको पता है, और इसको भी मैं जूम करके आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत पीकॉक है, बड़े आराम सुकून के साथ ये अंदर बैठा हुआ है। इस वक्त मौसम भी बड़ा खुशगवार है, और इसको जो इसका घर है, ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको बैठ के आगे दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, सारे का सारा ये ग्रीनरी है और बेहतरीन खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, पीकॉक के बाद हम देखेंगे आगे नेक्स्ट जो है वो केज किस जानवर का है। ये मेरे ख्याल से हरन है, हरन लग रहा है ये। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये भी बैठा हुआ है, और ये सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे मैं और भी आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा आगे आइए, वो देखिए सामने कितने ज़्यादा हरन आपको नज़र आएंगे। ये देखिए ये इसका क्लोज़र लुक है, कितने बेहतरीन ये खूबसूरत जानवर हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और ये तकरीबन चार से पांच है। इसके पीछे लाइन का भी केज है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये मारखोर है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं ये बारह सिंगा टाइप है। अब ये कन्फर्म नहीं है क्या चीज़ है, आप कमेंट्स में मुझे एक दफ़ा बताइएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जानवरों की इतनी पहचान नहीं है। ये बहरहाल बहुत खूबसूरत जानवर है।
फ्रेंड्स ये भी खूबसूरत एनिमल हैं, डियर, फॉलो डियर इनका नाम है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये भी खूबसूरत हैं और इस वक्त मौसम अबर आलूद है, हवा चल रही है। ये देखिएगा ज़रा, फ्रेंड्स ये देखिए ये लाइन अब वापस अपने घर में जा रहा है, ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया और भी लाइन थे, ये बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है। देखिए दूसरे जो लाइन देखते हैं हम वो बिल्कुल होते हैं नॉर्मल से अंदाज में बैठे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक अंदाज में ये हमारे साइड पर आ रहा है। देखिए अल्लाह खैर करे, वैसे तो पिंजरा है ये, बिल्कुल कवर है, लेकिन फिर भी इनसे डर लगता है जितने ये ख़तरनाक हैं। ये आप देख सकते हैं इनको, ये बार बार बिल्कुल केज के करीब आने की कोशिश कर रहा है और इसने कुछ भी नहीं खाया पिया हुआ, फुल भूखा ये शेर है और बिल्कुल हमारे ये करीब केज के पास है। तो ये देखिए शायद ये हो सकता है, ये देखें ये बिल्कुल करीब आ चुका है हमारे, और ये फुल भूखा इस वक्त है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे सर्कस में शेर करते हैं उस तरह के ये करतब से कर रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अंदाज में हमें नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही फेमस दरख्त है, बल्कि इस तरह के तीन चार दरख्त हैं, और मज़े की बात ये है कि इनके ऊपर ये खजूरें डोके लगे हुए हैं। ये मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, इन डोकों की खसूसियत मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखिए ये डोके हैं, इनकी खसूसियत ये है कि ये डोके जो हैं इनमें कुछ आपको नज़र आएंगे जिनके अंदर गुटली मौजूद है, गिटक मौजूद है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर गुटली मौजूद नहीं है, विदाउट गुटली है। एक ही दरख्त है, एक ही दरख्त के ऊपर ये देखिए बगैर गुटली के भी हैं और गुटली के साथ भी हैं। अभी मैं आपको ये लाइव दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने एक डोका तोड़ा है, ये देखिए इसके अंदर गुटली नहीं है। फ्रेंड्स बगैर गुटली के ये सऊदीया में पाए जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन की सोसाइटी में बगैर गुटली के, देखिए डोका मैंने आपको लाइव दिखाया, मैं खा के भी दिखाता हूँ। ये देखिए इनके अंदर गुटली मौजूद ही नहीं है। अभी मैं एक और तोड़ के दिखाता हूँ, हो सकता है उसके अंदर गुटली आए। मेरे करीब कैमरा लेके आइए, एक मैं और तोड़ने लगा हूँ, हो सकता है उसके अंदर गुटली हमें मिल जाए। ये मैंने डोका आपके सामने तोड़ा लाइव, दरख्त के ऊपर से तोड़ निकाला, ये देखिए इसके अंदर गुटली नज़र आ रही है, आप ये लाइव देख सकते हैं, इसके अंदर गुटली है। और इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा डोके लगे हुए हैं, वो ऊपर भी कैमरा मैन कैमरे को करे, किसी के अंदर गुटली मौजूद है और किसी के अंदर गुटली मौजूद नहीं। देखिए एक ही दरख्त के ऊपर लगे हुए हैं फल, और विदाउट गुटली वाला भी है और गुटली वाला भी है, देखिए अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है। फ्रेंड्स ये पार्क में झूले लगे हुए हैं, बच्चे इससे महसूस हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत झूले हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी के हैं। देखिए ये ज़रा बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं, और आपको पता है कि बच्चे किसी रेस्टोरेंट में आजकल चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, वो ज़्यादा इंजॉय जो करते हैं वो झूलों से ही करते हैं। अगर झूले लगे होंगे तो बच्चे खुश होते हैं, अगर झूले ना लगे हों तो फिर बच्चों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, वो पसंद ही नहीं करते कि विदाउट जहाँ पे क्रेडल वगैरह झूले ना हों, कोई स्विंग इस तरह की ना हो, तो पसंद ही नहीं करते वहाँ पर जाना। ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर बच्चे फुल इंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए कितने खूबसूरत डायनोसार है, ऊपर सूरज चमक रहा है खूबसूरत, और ये नीचे खूबसूरत डायनोसार का मंज़र है, आप देखिएगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा ज़ू है, मैं आपको इसका सराउंडिंग एरिया पहले दिखाता हूँ फिर अंदर चल के दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत इसका भी व्यू है, और लोग ये व्यू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये फॉरेन बेस व्यूज़ हैं, मतलब कि फॉरेन कंट्री में इस तरह के अक्सर व्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये सराउंडिंग एरियाज़ है, आपको मैं डिफरेंट एरियाज़ दिखाऊँगा। यहाँ पे भी वो डोके खजूरें टाइप लगे हैं, वो अल्लाह ताला का नाम बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत अल्लाह ताला का नाम है, काफ़ी बुलंदी पे ये लगा हुआ है, बहुत दूर से मैं जूमिंग कर रहा हूँ, और ये डोके खजूरें भी लगे हुए हैं। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँगा, हो सकता है कोई ऐसा ट्री मिल जाए कि जहाँ पर आपको एक ही दरख्त के ऊपर गुटली के साथ और विदाउट गुटली जो है वो खजूरें मिल सके। तो चलिए चलते हैं पार्क के अंदर। फ्रेंड्स अब ये देखिएगा, ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, और ये एक छोटा सा पत्थर है, काफ़ी डेंजरस है, इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चले जाएंगे। देखिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये कर लेंगे देखिए आगे। और ये देखिए ये पार्क का आपको बाकी भी मैं व्यूज़ दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये यहाँ पे एक और आपको केज दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ मोर हैं, और ये डिफरेंट किस्म के मोर हैं, बड़े अजीब से हैं, मैंने इससे पहले ये नहीं देखे, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ।
फ्रेंड जू हाउस वाला मेरा दोस्त था और वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको आंटी आंटी दिखाता हूँ, तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी आंटी, तो ये कह रहा है कि ये देखिए जी ये आंटी है, ये आस्ट्रिच है, लेकिन इसका नाम इन्होंने आंटी रखा हुआ है जू हाउस वालों ने। और वो कह रहा था कि इसको जाके एक दफ़ा एक्सप्लोर करें, बहुत ही खूबसूरत ये जानवर है, बहुत अच्छा है और ये बड़ा आपको खिलाएगा हंसाएगा। ये देखिए ये इधर ही देख रहा है और मेरे साथ साथ ये चल रहा है। मुझे थोड़ा सा ये डर है कि ये कहीं पे चूँच ना मार दे, डेंजरस है। ये देखिए चूँच इसने निकाली हुई है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये जानवर है। वो देखिए ये कोशिश कर रहा है चूँच मारने की, लेकिन मैं चूंकि थोड़े से फासले पर खड़ा हुआ हूँ ताकि किसी किस्म का मुझे कोई खतरा ना। ये एक और लुक देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत ये लुक है। और ये जू हाउस के अंदर की एनवायरनमेंट देखिए कितनी खूबसूरत है। ये मैं आपको थोड़ा सा मूव करके दिखाता हूँ। असल में यहाँ पे डक देखने को मिलती हैं, वो दूर खड़ी हुई मुझे नज़र आ गई हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ जूम करके अगर आपने देख सके। ये देखिए देखिए ये डक आपको नज़र आ रही हैं। ये डक थी जो इस पानी के अंदर मौजूद होती हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके से ये तैरती हैं। अभी काफ़ी दूर है, मैंने आपको जूम करके ये दिखाया है। और ये जी वो तालाब है, छोटा सा डक तालाब इसको बोल ले। और ये इसके ऊपर देखे सीढ़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यकीन कीजिएगा। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और वेदर भी आप देखें तो बहुत खूबसूरत है, बादल निकले हुए हैं और ये एक खूबसूरत तालाब का भी मंजर है और ये जानवरों के बीच में मौजूद है। और यहाँ पे मैं आपको एक खूबसूरत सीढ़ी दिखाता हूँ, एक खूबसूरत आपको टेबल दिखाता हूँ। यहाँ पे बच्चे बैठे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये सामने टेबल है, इसको ये डक टेबल बोल लें, ये क्योंकि ये तालाब डक वाला है। तो ये देखिए ये साइडों पे डक लगी हुई हैं और बीच में टेबल हैं और बच्चे बैठे हुए हैं और ये भी बच्चे खेल रहे इंजॉय कर रहे हैं। बाकी आपको मैंने साइड का ये सारा खूबसूरत इन्वायरमेंट दिखा दिया है। फर्दर यहाँ पे भी ये देखिए ये पूरे पार्क के अंदर डोके जो होते हैं खजूरें ये देखने को मिल रही हैं। ये एक और दरख्त है, ये पता नहीं अब क्या लगा हुआ है, मुझे इसका आइडिया नहीं। जिसको पता हो और जो काश्तकारी ज़राअत एग्रीकल्चर के बारे में जानता हो वो बता दे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे भी डोके लगे हुए हैं, लेकिन ये पक्के नहीं हैं, ये खाने लायक अभी नहीं है। ये देखिए ये बिल्कुल कच्चे डोके हैं, ये भी कच्चे डोके हैं। और वो सामने दरख्त आप देख रहे हैं, ये देखिए ये भी कच्चे डोके लगे हुए हैं, थोड़ा सा पकेंगे तो फिर इंशाल्लाह अज़ब जल खाएंगे। और जिस तरह हमने वो पीछे आपको दिखाया था, ये सिर्फ एक ही दरख्त मुझे नज़र आया है जिसमें ये चीज़ मौजूद है कि गिटक गुटली और विदाउट गुटली आपको ये देखने को मिलेंगे। बाकी ये जितने भी दरख्त हैं किसी के अंदर गुटली मौजूद है तो किसी के अंदर बगैर गुटली के हैं, पूरा पूरा दरख्त सेम कैटेगरी का है। और यहाँ पे भी पीकॉक हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये भी बड़े खूबसूरत पीकॉक हैं और ये बड़े सुकून और सब्र तहम्मुल के साथ यहाँ पे बैठे इंजॉय कर रहे हैं और ये खाना छाना खा रहे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की स्मेल नहीं है। ये फ्रेंड्स बैरिया टाउन जो है जहाँ पे डक्की भाई और रजब भाई रजब फैमिली वाले रहते हैं वो एरिया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट, कितना खूबसूरत एरिया है कि यहाँ पे हर तरफ सुकून ही सुकून है, रिलैक्स ही रिलैक्स है, किसी किस्म का भी कोई शोर शराबा नहीं है। और अक्सर मैं देखता हूँ कहीं आप किसी भी जू हाउस में जाएंगे ना जहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है कि वहाँ पे ये होता है कि स्मेल काफ़ी ज़्यादा आती है और डस्ट होती है, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। मैं आपको एक दफ़ा फिर इन्वायरमेंट टोटल दिखा देता हूँ, ये आप क्लोज़र लुक देखिएगा कितना खूबसूरत लुक है और बिल्कुल आराम सुकून है। और मज़े की बात यह है कि आज संडे मैं व्लॉग बना रहा हूँ लेकिन यहाँ पे रश भी नहीं है, समझ लीजिए कि पूरे पार्क में चंद एक लोग हैं और मैं खुद साथ इधर मतलब के अकेला फिर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स ये छोटा सा पार्क था, मैंने आपको एक्सप्लोर करवा दिया है। अभी ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे एक और पार्क है, तो यहाँ पे चलते हैं, जो खूबसूरत अट्रैक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे साथ रहिएगा, हम वो दूसरे पार्क में जाते हैं, बहुत प्यारे आइकॉन वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बिल्कुल ऑपोजिट साइड में, पार्क जो है यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये सामने वाला पार्क था जहाँ पे मैं मौजूद था और अभी ये पार्क में आ चुके हैं। यहाँ पे भी फ्रेंड्स डोके ही डोके नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह से दरख्त इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि मैं हैरान हो रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह पाक की कुदरत, ये बड़े पड़े हैं दरख्त और यहाँ पे कोई पूछ नहीं है। ये मैंने हाथ लगा लिया, खा भी सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है।
और यहाँ पे मैं आपको अभी एक खूबसूरत अट्रैक्शन दिखाने लगा हूँ, मेरे साथ रहिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आप लाइक कीजिए, अल्लाह ताला का नाम कितना खूबसूरत बुलंदी पे लगा हुआ है। और ये सामने आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सी फिश जो लगी हुई है, ये भी एक बहुत प्यारा आइकॉन है, अट्रैक्टिव आइकॉन है, इसको भी आप एक दफ़ा एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और ये एक सर्कल सा छोटा सा बना हुआ है और यहाँ पे खूबसूरत तरीन फिश ये लगी हुई है। ये आपको मैं करीब जाके बिल्कुल दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत ये फिश है। असल में ये तालाब है, इसमें ये देखिए ये पानी इसका जो है सूखा हुआ है, खुशक है पानी इसका, लेकिन ये जब चलता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्टिल ये देखिए फिश, और ये मैं आपको एक सर्कल राउंड इसका करवाता हूँ तो फिर आप देखिएगा ये कितनी खूबसूरत है, साथ आपको थोड़ा सा पार्क का व्यू भी मिल जाएगा। ये देखिए ये पानी इसके अंदर ये खड़ा हुआ है ना, यहाँ से ये जब बढ़ जाता है बड़ा खूबसूरत लगता है और रात का इसका मंजर बहुत ही प्यारा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं फर्दर, और इसकी जो अट्रैक्शन है वो सामने नजर आ रही है, वहां तक हम जाते हैं, मेरे साथ रहिए। वाओ फ्रेंड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये अल्लाह ताला का नाम, लाइक कीजिएगा। और ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था एक और नई अट्रैक्शन, ये देखिए इसका फ्लोर कितना खूबसूरत है फ्रेंड्स। ये आप इटली में या यूरोप में नहीं फिर रहे, ये पाकिस्तान में है। और ये देखिए आपको मैं फॉरेन कंट्री का बिल्कुल लुक आपको मिल रहा है। ये देखिए ये लाइन के स्टैचू लगे हुए हैं, ये भी लगा हुआ है और दूसरी तरफ भी लगा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे जाके एक अपना व्लॉग यहाँ पे बना लूँ छोटा सा, या कोई आपको की वीज़ा के हवाले से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बाहर हाल ये फ्लोर आप देख सकते हैं, खूबसूरत फ्लोर है, पीछे ये लाइन है, खूबसूरत व्यू है इसका, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, यकीन कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर जो बंदा लाहौर में रहता है वो यहाँ आके एक दफ़ा व्लॉग लाजमी बनाए, बहुत ही खूबसूरत इनको व्यूज देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, शेर शेर, ये वो शेर स्टैचू है जो आपको मैं सोसाइटी में दिखा रहा हूँ, कोई और शेर ना समझ लीजिएगा। इसका क्लोजर लुक आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा मैं आपको इसका 360 तो नहीं बनेगा, ना मैंने कभी ट्राई किया, लेकिन ये आपको दिखाता हूँ लुक। यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा रजब फैमिलीज जो है, रजब भट्ट भाई और डक्की भाई, इनकी वीडियोस अक्सर आप देखने को आपको मिलती होंगी। और ये एक खूबसूरत कोई आर्मी का स्टैचू इन्होंने नक्शा खींचा हुआ है, ये देखिए फिर मुझे डोका मिल गया यहाँ पे, ये है जी, ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से तोते ने किसी चीज ने खाया हुआ है। ये देखिए ये स्केच जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आर्मी टाइप इन्होंने कुछ कहना चाह रहे हैं, ये देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा होगा क्योंकि ये ब्लैक में है और ये काफी दूर से तो वाजिया नजर नहीं आता, लेकिन ये मैं जूम करता हूँ तो ये आपको हर चीज इसके, ये देखिए गन पकड़ी हुई, पीछे तोप है और ये फौजी खड़े हुए हैं, ये बड़ा ही खूबसूरत मुजस्मा है। और इसके सराउंडिंग में मैं देखता हूँ शायद इस तरह का और भी मुजस्मा हो, जी हाँ बिल्कुल सेम इसके साथ का मुजस्मा है, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ना सूरज की, सूरज पड़ रहा है डायरेक्टली, वो देखें इस वजह से ये क्लियर नज़र नहीं आएगा, वो बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तानी फ्लैग वो आपको नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट माहौल है। वो सामने असल में 14 अगस्त करीब करीब है, तो पाकिस्तानी फ्लैग खूबसूरत घरों में आपको नज़र आएंगे ये लगते हुए। और इसके अलावा ये देखिए थोड़ा सा व्यू, और यहाँ ये ना चारों साइड पे जो मुजस्मा है ना वो पिक्चर इन्होंने दी हुई है, ये देखिए ये अल्लाह ताला का ऊपर जो नाम लिखा है, यहाँ पे नीचे इन्होंने कुछ अपनी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो लगाई हुई हैं ताकि लोगों की अट्रैक्शन का बायस बने। बहरहाल एक खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत नज़ारा है, ये आप टेक अ क्लोजर लुक देख सकते हैं। ये देखिए इस सोसाइटी में भी सोलर पैनल है, मतलब सोलर पैनल की हर जगह पर ज़रूरत पड़ती है, इसके बगैर अब गुजारा ही नहीं है, जितनी पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। हालांकि ये देखिए इतने खूबसूरत 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के घर बने हुए हैं, इतना पैसा लगा हुआ है, उसके बावजूद ये लोग भी लोड शेडिंग से मुतासर हैं, और लोड शेडिंग से बचने के लिए ये लोग जो हैं वो भी सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा व्लॉग लंबा होता जा रहा है, यहाँ पे मैं अपना व्लॉग क्लोज करता हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग या ये मेरी सेकेंड थर्ड ट्राई थी व्लॉग की आपको अच्छी लगी होगी तो बताइएगा, इनकरेज कीजिएगा मुझे, मैं इंशाल्लाह इस तरह के खूबसूरत व्लॉग और मज़ीद इम्प्रूवमेंट करूँगा।
और अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाकर आपके लिए खिदमत में हाजिर करता रहूँगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, फिर आपसे माजरत करता हूँ, शॉर्ट व्लॉग होना चाहिएगा। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़ल अगली वीडियो में मिलेंगे। हाफिज़ मोहम्मद साकिब को लेट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ सब्सक्राइब करके इजाज़त दीजिए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।